सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे चैप्टर को। बिल्कुल इजी वे में नोट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, उस नोट्स को हम बिल्कुल इजी वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कार्बन एटम जो होता है वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सारे के सारे आपके कार्बन एटम के ही बने हुए होते हैं। और जो आपका कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब उसकी जो वैलेंसी होती है वो फोर होती है। वैलेंसी फोर कैसे होती है, एक आपको यहाँ पर डाउट आएगा कि उसकी जो वैलेंसी जो फोर है उसमें से कार्बन एटम जो कंपाउंड बनाता है वो आपका ग्राउंड स्टेट में बनाता है या एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। लेट्स सी, वो मैं आपको पहले बताता हूँ लेकिन पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कार्बन एटम जो है वो आपका टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब कार्बन एटम की जो वैलेंसी होगी वो आपको यहाँ फोर देखने को मिलेगी। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होगा। अब जब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p, 4 ऐसे करेंगे, नहीं 1s2, 2s2 एंड 2p, 2 क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p, 2। अब देखिए 1s से हमको कोई मतलब नहीं है, 1s हमारा पूरा कंप्लीटेड है, लेकिन जो सेकंड है 2s, 2, 2p, 2 ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं। हम इसको इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। एक्साइटेड स्टेज का मतलब पेयर्ड को खाली जगह भेज देना, पेयर्ड का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाना, खाली जगह चला जाना। तो जो कार्बन जो होता है अब उसकी जो चार वैलेंसी हैं वो उसकी नॉर्मल स्टेज में भी होती हैं, लेकिन उसकी जो चार कोवैलेंसी होती हैं जिससे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए वो किस स्टेज में होती है, एक्साइटेड स्टेट में। अगर आप रफ कॉपी साथ में लिए तो ये लिखिए कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है उसकी नॉर्मल स्टेट में, लेकिन कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है वो आपको देखने को मिलेगी एक्साइटेड स्टेट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो आपके कितने कौन से स्टेज में बनते हैं, कार्बन की इनिशियल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म इन द एक्साइटेड स्टेट। फिर से देखिए, कार्बन जो है वो आपका टेट्रावेलेंस हुआ, कार्बन की वैलेंसी चार हुई, उसका एटॉमिक नंबर सिक्स था, नॉमेनक्लेचर में उसका IUPAC कॉन्फ़िगरेशन तो उसका सिंपल हो गया, लेकिन अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p 2 हुआ। 1s जो है हमारा फुली कंप्लीट है, हमने उसको बाहर रखा, और 2s2 2p6 को हमने स्टडी किया। तो 2s2 पूरा कंप्लीटेड, 2p2 एक अनपेयर्ड, एक तो सेल खाली ही रह गई, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, एक्साइटेड स्टेट में ले गए, चार हमको अनपेयर्ड मिले। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो किस स्टेज में बनेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन के अंदर जितने भी हमारे कंपाउंड बनते हैं वो किस स्टेज में बनते हैं, एक्साइटेड स्टेज में फॉर्म होते हैं। इमेज थोड़ी सी ब्लर दिखेगी लेकिन यहाँ पे अब कार्बन जो हमारा पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर वो शुरू हो चुका है। पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन में पहला कार्बन है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का मतलब है वो कार्बन जब एक कार्बन एटम, जैसे कोई कार्बन जैसे आपसे पूछा ये प्राइमरी या सेकेंडरी, तो कोई भी कार्बन एटम अगर किसी एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है या किसी भी कार्बन एटम से नहीं जुड़ा, उसकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं, ऐसे कार्बन एटम को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे कि चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, प्राइमरी कार्बन एटम, केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम हुआ, वो कार्बन एटम जो कि किसी एक अदर अनदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो या किसी दूसरे कार्बन एटम से ना जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन एटम को हमने कहा प्राइमरी कार्बन एटम। चलिए देखिए सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब वो कार्बन एटम जो कि दो अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि कौन सा हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम व्हेन द कार्बन एटम बॉन्डेड विद थ्री अदर कार्बन एटम, जैसे कि। तो प्राइमरी एक से जुड़ा हो या एक से भी ना जुड़ा हो, सेकेंडरी दो से जुड़ा हो, टर्शियरी थ्री से जुड़ा हो, क्वार्टरनरी जो कि चार अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है एक टाइप ऑफ कार्बन एटम, आप किसी क्वेश्चन में टाइप ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट कर लेंगे। नीट 2016 का क्वेश्चन अगर आपको उठा के देखें तो उसमें आपसे पूछा जाएगा आइसोब्यूटाइलिन से, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम कि कितनी प्रकार की हाइड्रोजन एटम उसमें पाई जाती है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम,
तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जो कि प्राइमरी कार्बन से अटैच हो उसको हमने कहा प्राइमरी हाइड्रोजन, जो कि सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो हमने उसको कहा सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो उसको कहा हमने टर्शियरी हाइड्रोजन। क्या फॉर क्वार्टनरी हाइड्रोजन पॉसिबल होगी? नहीं होगी। देखिए ये आपका कौन सा कार्बन है बताना, कौन सा कार्बन एटम है? ये क्वार्टनरी कार्बन एटम है। क्वार्टनरी कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन अटैच होगी तभी वो क्वार्टनरी होगी, लेकिन कार्बन की केवल 4 वैलेंसी होती है, चारों कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई, क्या उसके पास कोई वैकेंट जगह बची जिससे वो हाइड्रोजन अटैच कर सके? नहीं बची, तो क्वार्टनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़ी हाइड्रोजन टर्शियरी, एंड क्वार्टनरी से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होती नहीं है, तो क्वार्टनरी हाइड्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर हमको ग्रुप में बताएं, फिर हम आपके साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन आपका क्लास वर्क का, इसको सॉल्व करें। अब आता है बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में जो बना हुआ सिंगल बॉन्ड जो होता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला मैंने? कार्बन और कार्बन एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। फर्स्टली जो बॉन्ड बनता है किसी एटम के बीच में उसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्टली फॉर्म बॉन्ड इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है, बिग बॉन्ड नहीं होता, ये बहुत स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है, बिकॉज पहला बॉन्ड बना क्लोज एसोसिएशन से बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 की आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड दो प्रकार के होंगे, एक होता है सी डबल बॉन्ड सी वाले, एक होते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले। ये जो कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी सेम पाई बॉन्ड शो करते हैं, लेकिन सी डबल बॉन्ड सी में 1 पाई बॉन्ड होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी में 2 पाई बॉन्ड होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है। अब बात आ गई कि क्वेश्चन ने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड आप निकालो, क्वेश्चन दे दिया फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो आपको दिख जाएंगे जहाँ जहाँ डबल 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 या ट्रिपल ट्रिपल दिख रहा है वहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लीजिए ऐसे दे दिया C7H16। अब इसमें फाइंड आउट द सिग्मा बॉन्ड निकालिए, आप पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर आप उसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तभी आपका हो पाएगा, तो नहीं है। सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है तो सीधी बात है टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस वन फॉर ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस वन फॉर साइक्लिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ द रिंग माइनस वन। तो साइक्लिक के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम जितने भी एटम है प्लस नंबर ऑफ रिंग, साइक्लिक कंपाउंड तो रिंग होगी कितनी रिंग है, माइनस वन। फॉर नॉर्मल ए साइक्लिक कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस वन।